किया तुमने? तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया अंकल? सनी सूद बंदर क्यों गए तुम मन्नत के पास? तुम्हें क्या करता? मुझे और कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि सनी सूद तक पहुंचने का बस यही एक तरीका है कि मैं खुद सनी सूद बन जाऊं। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। तुम दुनिया के सामने सनी सूद बनकर खड़े हुए हो। तुम्हें पता है तुमने अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है? तो अभी कौन सा कोई मुसीबत नहीं है मेरी लाइफ में। उस सनी सूद ने मेरी लाइफ में, मेरे बिजनेस में मुसीबतों का तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। जाल बिछा रखा है मेरे लिए। उस रात तुम्हें याद है जब तुमने मन्नत और सनी को साथ में देखा था? उस सनी का फोन मेरी गाड़ी में मिला था। ये क्या है? देखा आप सब लोगों ने, ये वही फोन है जिस फोन से अभी सनी ने मुझे फोन किया था। याद क्यों? अगले ही दिन मैंने ये पता लगाने की कोशिश की कि वो नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। किसके नाम पर? मेरे नाम पर। वो सिम कार्ड मेरे नाम, मेरे डॉक्यूमेंट्स पे खरीदा गया था। कोई है जो मेरी पर्सनल डिटेल्स को यूज करके मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मुझे सनी सूद बनना पड़ा। वो आदमी जिसने मुझ पर हमला किया था, उसने भी सनी से यही पूछा कि जुनून ए दिल कहाँ है। इसका मतलब साफ है कि जुनून ए दिल सनी सूद के पास ही है। अंकल, मैंने भी पार्टी में किसी को सनी सूद और डायमंड के बारे में बात करते हुए सुना था। किसको? पता नहीं, पर उसने ना एक अजीब सा मास्क लगाया हुआ था। उसकी आवाज भी अजीब थी, जैसे वॉइस चेंजर वो मशीन होती है ना वैसे। और उसने कहा कि वो डायमंड सनी सूद के पास ही है। तुम्हारा काम हो गया तो तुम मुझे ऐसे इग्नोर करोगे? तुम्हारा ड्रामा खत्म। शीशे की तरह द्वारका नाल के टूटने का वक्त आ गया है और इन टुकड़ों में सिर्फ एक अक्स दिखेगा, कैरी का। After all, swagger jet tha.